आने वाले दिनों में शहर में तीन बड़ी घटनाएं, दो मर्डर की और एक डकैती की, पुलिस ने ससमय विफल कर दी है। चार पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि आने वाले दिनों में ये शहर में मर्डर और डकैती की कुल तीन घटनाएं करने वाले थे। पुलिस को सूचना मिल रही थी और हम लोगों ने इनको रंगे हाथों पिस्टल, कट्टा, गोली और अवैध गांजा के साथ इन लोगों को दबोचा है। पूछताछ में यह पता चला है कि पैसों के लिए ये लोग दो हत्याएं शहर में और मुंगेरीगंज में एक बड़े स्वर्णकार के यहाँ डकैती डालने की योजना बना रहे थे। इसका जो सरगना है वो कुख्यात पेशेवर अपराधी रूपेश है। बेगूसराय शहर में इसी मार्च के महीने में दो लोगों की हत्या और एक स्वर्ण दुकानदार की दुकान में डकैती की घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे चार अपराधियों को बेगूसराय पुलिस को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। वहीं अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्तौल, एक जिंदा कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और 2.5 किलो अवैध गांजा को भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं बेगूसराय SP योगेंद्र कुमार ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डकैती की योजना बनाते हुए चार अपराधियों को रंगे हाथों पिस्तौल, गोली, कट्टा और अवैध गांजा के साथ बेगूसराय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधियों के द्वारा पैसे के लिए दो हत्या एवं मुंगेरीगंज में एक स्वर्णकार के यहां डकैती की योजना बनाई थी, जहां इसी सिलसिले में पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिलमिल गांव से अपराधियों को बेगूसराय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेगूसराय SP योगेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा इस पूरे रिपोर्ट में। किस तरह की कार्रवाई की गई है इसके द्वारा, किस तरह से कार्रवाई की गई है? देखिए आने वाले दिनों में शहर में तीन बड़ी घटनाएं, दो मर्डर की और एक डकैती की, पुलिस ने ससमय विफल कर दी है। चार पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि आने वाले दिनों में ये शहर में मर्डर और डकैती की कुल तीन घटनाएं करने वाले थे। पुलिस को सूचना मिल रही थी और हम लोगों ने इनको रंगे हाथों पिस्टल, कट्टा, गोली और अवैध गांजा के साथ इन लोगों को दबोचा है। पूछताछ में यह पता चला है कि पैसों के लिए ये लोग दो हत्याएं शहर में और मुंगेरीगंज में एक बड़े स्वर्णकार के यहाँ डकैती डालने की योजना बना रहे थे। इसका जो सरगना है वो कुख्यात पेशेवर अपराधी रूपेश है, मुफस्सिल का रहने वाला है। ये 1.5 महीने पहले जेल से छूटा है और जेल से बेल प्राप्त करके बाहर आते ही ये तुरंत हत्या और डकैती की योजना बनाने लग गया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रुपेश है ये करीब 34 साल का है, कैथमा मुफस्सिल का रहने वाला है। आधा दर्जन इस पर मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जो कि हत्या, लूट, डकैती और आर्म सेट के मामले हैं, काफ़ी संगीन मामले इस पर दर्ज हैं। इसमें दूसरा एक मुकेश है, मुकेश यादव, ये भी शांत मुफस्सिल का रहने वाला है। एक श्रवण पासवान की गिरफ्तारी हुई है, ये भी मुफस्सिल का है। और एक रोशन है, वो भी मुफस्सिल का रहने वाला है। ये सभी का घर कोई बहुत दूर नहीं है, सब आस पास है और इसमें से कई ऐसे हैं जो जेल में भी साथ में रह चुके हैं। इन लोग के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और 2.5 किलो गांजा इन लोग के पास से मिला है। देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि जेल से जो अपराधी छूट रहे हैं उनकी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मॉनिटरिंग के क्रम में हमने ये पाया कि मुफस्सिल थाना में ज़्यादातर अपराधी जो हाल में छूटे हैं वो गुंडा परेड जो हम लोग सैटरडे को कराते हैं उसमें हाजिरी अपनी लगा रहे थे, लेकिन उसमें एक आदमी ऐसा पाया गया जो लगातार नोटिस के बावजूद भी हाजिरी नहीं दे रहा था, वो रुपेश था। रुपेश का जब हम लोग ने आपराधिक इतिहास खंगाला, पुरानी फाइलें खंगाली, उसकी जो प्रोफाइलिंग की, तो हम लोग को पता चला कि ये बहुत ही घातक अपराधी है। ये बाहर रहता है तो अपराध करता ही करता है। उसके बाद SDPO सदर के नेतृत्व में एक हमने विशेष टीम बनाई और ये टीम लगातार एक हफ्ते से अपना काम कर रही थी और कई जगहों से हम लोग को जो इनपुट मिल रहे थे उसको हम लोग ने कोरिलेट किया और उसके बाद घेराबंदी करके इन चारों को हथियार सहित पुलिस ने दबोचा है। इस टीम में SHO मुफस्सिल थे, SI संजीत था, ASI मनोज था, चीता की टीम थी, DIU की टीम थी। ये पूरी टीम ने बड़ी प्रोफेशनली और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही पेशेंस रखते हुए अपना पूरा काम किया और इन सभी लोगों को पकड़ा। अगर ये नहीं पकड़े जाते तो मार्च के ही इस महीने में जो हम लोग को सूचना थी ये दो मर्डर की और एक स्वर्णकार के यहाँ डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दे देती है। कंबाइंड रूप से घटना को अंजाम देते अलग अलग कंबाइंड रूप से, और इसमें जो दो हत्याएं थी ये मर्डर को ले मर्डर वाली, ये बेसिकली पैसों के लिए ही कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ये लोग करने जा रहे थे। एक मामले में तो किसी का ज़मीन का विवाद था तो उन्होंने इसको काम दे दिया था और दूसरे मामले में भी ज़मीन का ही इशू था और इनको चूंकि पैसों की आवश्यकता थी, ये इस प्रकार की घटनाएँ पहले भी करते रहे हैं। तो एक स्वर्णकार मुंगेरीगंज में, उसके यहाँ इन लोगों ने रेकी वगैरह भी कर ली थी
और इन्होंने ये भी चेक कर लिया था कि उसके यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। हम लोग कई बार बोलते हैं इनको, लेकिन फिर भी ऐसा पता चल रहा है कि कुछ लोग कैमरा नहीं लगवाते हैं अपने यहाँ। तो अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत करूँगा और इन सभी अपराधियों को, ये सारे पेशेवर अपराधी हैं, इनके खिलाफ अब हम लोग स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको जेल भेज रहे हैं।